बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। मेरे अजीज़ो, दुरूद पाक के बेशुमार फ़ायदे बताने जा रहा हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से मुसीबतें टलती हैं, दुरूद पाक पढ़ने से बीमारियों से शफा हासिल होती है, दुरूद पाक पढ़ने से खौफ दूर होता है, दुरूद पाक पढ़ने से जुल्म से निजात हासिल होती है, दुरूद पाक पढ़ने वाले की दुनिया कदर करती है और इज्जत की निगाह से देखती है, दुरूद पाक पढ़ने वाले का फरिश्ते अल्लाह ताला के यहाँ जिक्र करते हैं, दुरूद पाक पढ़ने से माल में इजाफा और पकीजगी पैदा होती है, दुरूद पाक पढ़ने से दुश्मनों पर फतह हासिल होती है, दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, दुरूद पाक पढ़ने वाले को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफायत हासिल होती है, दुरूद पाक पढ़ने वाला हमेशा खुशहाल रहता है, दुरूद पाक पढ़ने वाले को बरकतें हासिल होती हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाले की तमाम हाजात पूरी होती हैं, दुरूद पाक गुनाहों का कफारा है, दुरूद पाक सदका का बदल है बल्कि सदका से भी अफजल है, दुरूद पाक पढ़ने से रिज़्क में इजाफा होता है, दुरूद पाक पढ़ने वाले की औलाद दर औलाद में बरकत उतरती है, दुरूद पाक पढ़ने वाले को शफायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल होती है, दुरूद पाक पढ़ने वाले को जन्नत हासिल होगी, दुरूद पाक पढ़ने वाले की परेशानियां दूर होती हैं और ज़रूरतें मुकम्मल की जाती हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाले को पुल सिरात के ऊपर रोशनी हासिल होगी, दुरूद पाक पढ़ने वाले को जन्नत में आला मकाम हासिल होगा, दुरूद पाक पढ़ने वाले को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होगा, जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता है मौत के वक्त उसको आसानी हासिल होगी, दुरूद पाक पढ़ने से दुनिया की तबाह कारियों से निजात मिलती है, दुरूद पाक की बरकत से भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाले के साथ अल्लाह के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाला पल झपकने में निजात हासिल कर लेगा, दुरूद पाक पढ़ने से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है, दुरूद पाक पढ़ने वाले के कब्र के सवालात आसान होंगे, दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते बख्शिश और रहमत की दुआएं मांगते हैं, दुरूद पाक पढ़ने वालों के घरों में मुसीबतें नहीं जाती बल्कि फरिश्ते वहाँ पर पहरा देते हैं, दुरूद पाक गुनाहों का कफारा है, दुरूद पाक से ऐसे फरिश्ते पैदा होते हैं जो पढ़ने वाले के लिए दुआएं मांगते रहते हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाले को दुनिया में ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हासिल हो जाती है, दुरूद पाक पढ़ने वाले को दुनिया में ही जन्नत में उसका घर दिखला दिया जाता है, दुरूशी पढ़ने वाले को नूर अता होगा, दुरूशी पढ़ने से बीमारियाँ दूर रहती हैं, दुरूशी पढ़ने वालों के गम राहत में बदल जाते हैं, दुरूशी पढ़ने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा अजर अजीम मिलेगा, दुरूद पाक पढ़ने वालों को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने का शरफ हासिल होगा, दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम फरिश्ते सोने के कलम के साथ चांदी की तख्तियों पर लिखते हैं, दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम सैर करने वाले फरिश्ते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए एक बड़ी सआदत कि उनके वालिद के साथ उनका नाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पेश किया जाता है, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ बराह रास्त हासिल होता है, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के फरिश्ते गुनाह मिटा देते हैं और उसकी जगह नेकियाँ लिख देते हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाले को जिस्मानी और रूहानी पाकी हासिल होती है, दुरूद पाक पढ़ने वाले की हर तरह की बीमारियां ख़त्म कर दी जाती हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाले का कुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ हो जाता है, दुरूद पाक पढ़ने वाला फरिश्तों की साफ में खड़ा हो जाता है, दुरूद पाक पढ़ने वाला अल्लाह ताला की रहमत का ज़्यादा हकदार होता है क्योंकि वो सुन्नत इलाही पूरा कर रहा होता है, दुरूद पाक पढ़ने वालों को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, क़यामत के दिन दुरूद पाक पढ़ने वालों को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता होगा, दुरूद पाक पढ़ने वाले को जहन्नम से खलासी दे दी जाती है, दुरूद पाक पढ़ने वाले की रोज़ी में बरकत और इजाफा होता है, दुरूद पाक पढ़ने से कारोबार में इजाफा होता है, दुरूद पाक पढ़ने से
माल रिजक और दौलत में इजाफा होता है। दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार इनामात हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले की दुआएं जल्द मकबूल होती हैं। दुरूद व सलाम पढ़ने वाले को अल्लाह ताला के रहमत के फरिश्ते घेरे रखते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से बीमारियों से निजात हासिल होती है। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले से अल्लाह ताला के चारों मुकर्रम फरिश्ते मोहब्बत करते हैं और उसकी क़यामत के दिन मदद फरमाएंगे। दुरूद पाक पढ़ने वालों के मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ने वाले का दुरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं। तो मेरे दोस्तों, दुरूद पढ़ते जाओ और पढ़ाते जाओ।